हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन रीजनल रेसिपीज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चिकन बिरयानी। उसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, सारा लिस्ट मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले में आपके रेफरेंस के लिए दे दिया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं चिकन बिरयानी मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैं थोड़ा सा ज़ीरा, एक छोटा सा दगड़ फूल, एक इलायची, 10 से 12 काली मिर्च, एक छोटा सा सिनेमन स्टिक, दालचीनी एंड एक छोटा सा जावित्री एंड एक छोटा सा स्टार एनिस, चक्री फूल का टुकड़ा। इन सबको मैं मिक्सर जार में डालकर एक फाइन पाउडर बना रही हूँ। ये हम डालेंगे चिकन मैरिनेशन में। अगर आपको ये सब झंझट नहीं चाहिए, इतना कुछ डाल के बनाने के लिए टाइम नहीं है, तो आप एक रेडीमेड 10 रुपये का चिकन बिरयानी मसाला पैकेट भी ला सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन के पेस्ट बना रही हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ हो फ्रिज में, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक किलो चिकन लिया है, उसे मैंने 1 घंटे से सॉल्ट वाटर में मैरिनेट करके रखा है, डिप करके। उसे पानी निचोड़ कर एक बड़ी सी बॉल में ले रही हूँ। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, अभी जो हमने मसाला पाउडर, जो बिरयानी मसाला पाउडर प्रिपेयर किया वो, 4-5 हरी मिर्च, कटा हुआ मिंट, पुदीना एंड धनिया के पत्ते, थोड़ा दही, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर एंड नमक अपने स्वाद के अनुसार, ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से उसे मिक्स करना है। आपको इंश्योर करना है कि हर एक चिकन पीस अच्छे से कोट हो जाए इवनली, एंड उसे मैरिनेशन के लिए अराउंड 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इमीडिएटली भी बना सकते हैं, बट फॉर बेटर रिजल्ट आप थोड़ा उसे 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं चावल बनाने के लिए एक बड़ी सी बांडी में बहुत सारा पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक, 2-3 हरी मिर्च, थोड़ा सा ऑयल डाला है। साथ में मैंने कुछ मसाले भिगा के रखा है सोख करके पानी में, ताकि जब हम गर्म पानी में उसे उबालें तो उसका जो भी अरोमा है, फ्लेवर है, वो सारा इन्फ्यूज़ हो जाए पानी में तुरंत। उसमें मैंने एक मराठी मोगू लिया है, 3-4 इलायची लिए हैं, थोड़ा सा शाहजीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक स्टार एनिस मतलब चक्री फूल, थोड़ा सा दगड़ फूल एंड थोड़ा सा जावित्री। ये सारी चीज़ें मैंने, 4-5 पेपरकॉर्न्स, ये सब डालकर पानी के साथ ही डाल दिया है जो सोक किया हुआ। और जब पानी एकदम अच्छे से बॉयल हो जाए 5-10 मिनट के लिए, तब वो सारे मसाले मैंने एक छन्नी की मदद से निकाल दिया है। ये मुझे बाइट में मसाले आते हैं तो पसंद नहीं है, इसलिए मैंने निकाल दिया। अगर आप चाहते हैं तो आप उसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं। उसके बाद मैंने 1.5 घंटे के लिए जो सोक करके रखा था, वॉश करके राइस, उसे उसमें डाल दिया है। अब ये 40-50% जब कुक हो जाए ना, तुरंत आपको उसे ऐसा जैसे मैंने वीडियो में दिखाया, एक सीव की मदद से उसे निकाल लेना, ताकि उसमें से जितने भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। अगर आपको लगता है आप निकालते निकालते थोड़ा हीट की वजह से ओवर कुक ना हो जाए, तो फिर आप जब 30% कुक होगा तभी निकाल लीजिएगा। अब जो मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन में, थोड़ा सा चिकन मसाला पाउडर एंड थोड़ा सा ऑयल, ये दोनों चीज़ें डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लें। और जिस भांडे में मैंने राइस बनाया था, उसी भांडे में थोड़ा सा घी डालकर उसमें मैंने थोड़ा सा कैश्यू काजू फ्राई कर लिया है, उन्हें साइड में निकाल के रख दिया। और उसी बचा हुआ घी में मैंने थोड़ा सा बिरयानी पत्ते डाल दिए हैं, और साथ में जो मैरिनेट करके रखा था चिकन, उसे मैंने इवनली स्प्रेड करके उसी बर्तन में रख लिया। एंड उसके ऊपर मैंने जो राइस कुक करके रखा था वो डाला है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट उसके ऊपर सारी चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा करके स्प्रेड कर रही हूँ, जैसे कि कटा हुआ धनिया पत्ता एंड मिंट लीव्स, पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा फ्राई किया हुआ ऑनियंस, काजू एंड थोड़ा सा घी। अब मेरे पास ज़्यादा राइस है, इसलिए मैं बचा हुआ राइस वापस एक लेयर सेम जैसे अभी बनाया है उसी तरीके से बनाने वाली हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा राइस ना हो, अगर एक ही लेयर बन रहा है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा कलर केवरा वाटर एंड थोड़ा सा रोज़ वाटर भी डालकर, अब ये जो कलर है, कलर की जगह अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप थोड़ा सा केसर दूध में भिगा कर भी डाल सकते हैं, उससे भी कलर आता है। बट मेरे पास एक्चुअली केसर नहीं था, जनरली मैं वही यूज़ करती हूँ, बट केसर नहीं था तो मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप आपको पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें तो आप नहीं भी डाल सकते, स्किप कर सकते कम्प्लीटली। वेल गाइस, एक लेयर हो, दो लेयर हो, जितना आपका राइस है उस हिसाब से आप लेयर्स बनाइए। बट सबसे टॉप में आप ये कलर, थोड़ा केवड़ा वाटर एंड रोज़ वाटर डाल दीजिए, उसे एक अच्छे से ढक्कन जिसमें से हवा यू नो
आर पार ना हो, ऐसा कोई ढक्कन जो अच्छे से कवर कर सके, उसे ढक कर उसके ऊपर थोड़ा सा हैवी वेट, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं मैंने हैवी वेट रखा था उसके ऊपर, ऐसा वेट रखकर स्टोव में सीधा विदाउट तवा आप स्टोव में सीधा 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में छोड़ दीजिए। उसके बाद 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में छोड़ दीजिए। उसके बाद उसे निकाल कर एक तवा रखिए उसके ऊपर, गैस के ऊपर, तवे के ऊपर फिर ये बर्तन रखकर, बिरयानी पॉट रखकर आधा घंटे के लिए 30 to 40 minutes, आपको बीच में चेक करना है तो ढक्कन निकाल के चेक कर सकते हैं, अगर बॉटम में थोड़ा सा लिक्विड दिखता है तो आप 5 मिनट और छोड़ सकते हैं, ऐसा उसे आधा एक घंटे के लिए और छोड़ दीजिएगा लो फ्लेम में तवे के ऊपर। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा रायता बना रही हूँ, थोड़ा सा दही, चॉप ग्रीन चिल्ली, चॉप धनिया, चॉप अनियंस एंड टमेटोस, साथ में थोड़ा सा जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, सॉल्ट एंड कर्ड मिलाकर रायता आसानी से बन जाता है। वेल, एक और रायते का वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, बूंदी रायता, आप उसे भी बना सकते हैं, इसके कॉम्बिनेशन में अच्छा लगेगा, वो आप मेरे चैनल से चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था 5-10 मिनट एक्स्ट्रा रख सकते हैं अगर आपको बॉटम में लिक्विड दिखता है तो। वेल, उसके बाद आप कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा नॉर्मल होने के बाद आप ओपन करके खा सकते हैं। आप देख सकते हैं चिकन जो एकदम जूसी एंड टेंडर बना है। जो सारा टेक्निक जो है, राइस आप कितनी जल्दी निकालते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड है। आप अगर ज़्यादा कुक कर लेंगे तो बिरयानी की जगह खिचड़ी बन जाएगा, तो सो बी केयरफुल। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर यस है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।